नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभागार में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इस समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रही लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब ने जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया। आपको बता दें कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक ही छत के नीचे जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, लेसा, प्रदूषण तथा आवास विकास के अधिकारी जनता की समस्या सुनते हैं। नागरिक सुविधा दिवस में सुनवाई के दौरान मंडलायुक्त रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार मौजूद रहे। वहीं हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव से एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बातचीत करते हुए जानकारी दी कि इस समाधान शिविर में 55 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ शिकायतों का तत्काल समाधान करा दिया गया है तथा अन्य समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण में मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है, यानी राजधानी लखनऊ में जो तमाम समस्याएं, जन समस्याएं आती हैं, उन जन समस्याओं के लिए प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को यहां पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जाता है और खुद इसकी अध्यक्षता मंडलायुक्त रोशन जैकब करती हैं और साथ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार मौके पर मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, उस आयोजन से सभी डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उन डेस्क को दिखाएँ, उन जहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप नगर निगम का बोर्ड लगा होगा, देख रहे होंगे, नगर निगम से जुड़ी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद जिला प्रशासन, जिस तरीके से जिला प्रशासन भी यहाँ पर बैठा हुआ है, लोक निर्माण विभाग की भी अगर बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर बैठ करके उन जन समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पोल्यूशन बोर्ड को लेकर के भी यहाँ पर के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो अगर बात की जाए तो एक छत के नीचे लगभग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर बिठाया गया है। तो और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो आती थी लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई, उन समस्याओं का भी समाधान करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो आप देखिए कि जल संस्थान, जल निगम, नगरीय, तो ऐसे तमाम जो जितने भी सरकारी दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और स्वयं अगर मैं एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ पर मंडलायुक्त रोशन जैकब बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे किया जा रहा है और उस निस्तारण को करते हुए लगातार जो अध्यक्ष हैं जो यहाँ की और मंडलायुक्त हैं रोशन जैकब, वो लगातार जन समस्याओं को सुन रही हैं। और आप देख सकते होंगे कैमरे में कि यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भी बैठे हुए हैं और वो जनता की समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इन जन समस्याओं, किस तरीके की जन समस्याएं आई हैं, फिलहाल अगर बात की जाए अभी तो अभी तक लगभग 38 यहाँ पर समस्याएं प्राप्त हो चुकी हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रांगण में यहाँ पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पर मंडलायुक्त रोशन जैकब भी थे और उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भी जनता की समस्याओं को, सर कितनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया गया? आज जैसे कि हर माह होता है कि महीने के आखिरी मंगलवार को प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कमिश्नर मैम आई थी, डीएम सर आए थे, नगर निगम और बाकी सब अन्य विभागों से भी लोग आए थे। आज यहाँ पे कुल 54 हम लोग को प्रार्थना पत्र मिले हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, एलडीए के हैं, नगर निगम के हैं और बाकी सब विभागों के भी हैं। उनमें से 13 ऐसे हैं जिनका हम लोगों ने यहीं पर फाइलें मंगा के निस्तारण कर लिया था। 13 ऑब्वियसली वो सारे एलडीए से ही संबंधित थे, बाकी सबका भी हम लोगों ने व्यवस्था को थोड़ा री इंजीनियर किया है, उसमें हम लोग बेटर तरीके से उसका निस्तारण कराएंगे। सर जिस तरीके से अवैध कोचिंग पर भी आप कार्रवाई लगातार कर रहे थे, बेसमेंट बुक चलाए जा रहे थे, उसमें अभी तक कितनी कार्रवाई हुई सर और आगे कब तक कितनी कार्रवाई होगी? उसमें हम लोगों ने जैसे उस समय भी बताया था, 2-pronged हमने अप्रोच बनाया है। कुछ जिसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ थी उन लोग को हमने सील करा दिया था, 26 ऐसे हैं और इसकी रिपोर्ट हमने शासन भी भेज दी है। बाकी सबको हम लोगों ने नोटिस दिया है इस आशय से कि वो लोग अपना जो भी गलत काम करें उसको ठीक कर लेंगे, अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ दिनों में फिर दोबारा कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा था कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए, मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लोगों को एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, उसकी क्या रूपरेखा कुछ तैयार हो पाई या नहीं सर? हाँ, उसका हम लोगों ने तैयार कर लिया है, आई थिंक सेप्टेम्बर 1st week में। उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब से टाइम का रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उन्हीं के ही अध्यक्षता में हमें वर्कशॉप कराना चाह रहे हैं, तो जैसे ही समय मिल जाता है सर से हम इसको करा लेंगे।
तो हमारे साथ बात कर रहे थे लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी समस्याएं आज नागरिक सुविधा दिवस के आयोजन में आई हुई थी उन सभी समस्याओं का लगभग समाधान भी किया गया और जो समस्याएं बची है उनको अधिकारियों को अग्रेषित किया गया। और अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जिस तरीके से प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को ये यहाँ पर जन समस्याओं का शिविर लगता है और समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो ऐसे में आज कितनी समस्या यहाँ पर आती हैं और कितनी समस्याओं का समाधान होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रितेश श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।